दोस्तों जैसा कि बताया था कि आज अगर आपने ज्वाइन कर लिया था हमारा टेलीग्राम चैनल तो आपके लॉस रिकवर होते। डाउन ट्रेंड बोला था 16 मिनट में और देखिए आ चुका है केवल देखिएगा 8 मिनट में। तो अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। और बड़ा अपडेट आ रहा है अमेरिका की तरफ से आ रहा है और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सीरियस पर्टिकुलर टॉपिक है, क्योंकि आरबीआई की मीटिंग हो चुकी है उस पर तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, बट उससे ज़्यादा देखिएगा फोकस है DXY पे। और DXY पे फिर से कंसर्न आ चुका है जिसे कहते हैं US डॉलर इंडेक्स, और इससे काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स का, काफ़ी सारे पर्टिकुलर इकॉनमीज का जिसमें एशियन कंट्री की इकॉनमी ज़्यादा है उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे DXY देखिएगा बहुत तेज़ी से चीयर कर सकता है क्योंकि फेड आने वाला है और मार्केट और इकोनॉमिस्ट जितने भी एक्सपर्ट हैं ये सारे यहाँ पे कंसर्न कर रहे हैं। और ये कंसर्न अगर आ जाता है तो DXY आपका 105 तक देखने को मिल सकता है, जो कि कहीं से भी देखेगा अच्छी बात नहीं होगी। जितनी भी करेंसी हैं, इवन हमारी करेंसी इतनी स्ट्रगल कर रही है, इस पर भी कोई पर्टिकुलर ज़्यादा चर्चा नहीं करी गई क्योंकि आरबीआई को पता है ये सेंसिटिव टॉपिक है, इसको अभी कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए वेट एंड वॉच मूड में देखिएगा आरबीआई ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे ये माना जा रहा है कि डॉलर इंडेक्स में काफ़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, चाहे चार्ट्स पे हो और चाहे सेंटिमेंट्स, दोनों चीज़ें डॉलर इंडेक्स के फेवर में देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए डॉलर इंडेक्स इतने अपर लेवल पे क्या कर रहा है, चीज़ों को होल्ड कर रहा है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि डॉलर इंडेक्स के फेवर में क्या चीज़ें हैं, और अगर ये ज़्यादा टाइम तक फेवर में रहती हैं तो इसका मतलब है एशियन कंट्रीज़ के जो फॉरेक्स है वो तेज़ी से कम होंगे और जिसका इम्पैक्ट उनके कैपिटल मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं US डॉलर इंडेक्स रिमेन डिप्रेस्ड, अभी क्या डिप्रेस्ड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स बार बार कर रहा है। अगर आप देखेंगे 3 महीने का हाई बैक टू बैक, दिस ईयर का हाई बैक टू बैक बनाया है, उस पर्टिकुलर लेवल पे सस्टेन भले ना कर पाया हो बट 104 के लेवल को बार बार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, 104 के लेवल को बार बार यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और जितना ज़्यादा समय ये देखिएगा डॉलर इंडेक्स हमारे यहाँ पे 104 के लेवल पे बिता रहा है उतना ही ये हमारी पर्टिकुलर करेंसी को पेन दे रहा है, डेफिसिट का डेटा बढ़ रहा है और खुद अमेरिका के डेफिसिट का डेटा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। तो पहले तो आप समझ गए, ये पहली बात तो समझ में आ गई होगी। दूसरा देखिएगा फियर आ रहा है ट्रेडर के मन में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी US का डेटा आया है, जितना भी अमेरिका का डेटा आया है, उसमें सब में अगर आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो ये देखने को मिल रहा है कि इकॉनमी में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, इकॉनमी में अभी भी डिमांड बाकी है और इसका इम्पैक्ट आपको भी देखने को मिलेगा। क्योंकि स्ट्रेंथ और डिमांड अगर इकॉनमी में देखने को मिल रही है तो बाइडन सरकार भी देखेगा नहीं चाहती है कि 2024 में वो ऐसे महंगाई के रेट को लेकर इलेक्शन लड़े। क्योंकि बाइडन सरकार भी ये चाहेगी कि वो जब इलेक्शन टाइम पर देखिएगा पहुँचें तो बिल्कुल कंट्रोलेबल महंगाई के साथ पहुँचें, जो रेट होंगे वो भले पीक बना चुके हों बट कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन का रेट होगा, तभी वो चुनाव जीत सकते हैं। तो फियर स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ मिक्स्ड कंसर्न फेड रेट हाइक प्रॉड DXY ट्रेडर, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आप इसका इम्पैक्ट क्या है। और अगर रेट हाइक की बात होती है तो सेकेंड एक मेजर पॉइंट आ जाता है बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड तो कहीं से भी देखेगा भी अंडर प्रेशर में आई नहीं है, चाहे मार्केट नीचे गया हो चाहे मार्केट ऊपर गया हो, बॉन्ड यील्ड पे अभी कोई प्रेशर नहीं आया है। केवल और केवल देखेगा प्रेशर जो देखने को बार बार मिलता है ऊपर के लेवल पे 105 104 के लेवल पे डॉलर में देखने को मिलता है। तो अगर ये भी साथ में बढ़ना शुरू कर देगी तो जो रिस्क कैटलिस्ट हैं वो काफ़ी तेज़ी से अमेरिका को गेयरअप करेंगे। और जो अमेरिका जिस पे देखेगा मॉर्गन स्टैनली ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इनकी इक्विटीज़ में कम से कम 16% का एडजस्टमेंट आ सकता है, तो आप समझ सकते हैं ये बड़ी बात है। तो 104 और एशियाज हॉकिश फेड बेट्स जॉस्टल विद द US ग्रोथ फियर
एंड स्लगिश सेशन इन डूइंग सो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे केवल जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो पूरी तरीके से केवल डॉलर से परेशान हैं, और अगर वो ज़्यादा समय तक अपने फंड्स को कम करती हैं तो इसका मतलब है उनके कैपिटल मार्केट पे असर पड़ने वाला है। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड सेकेंड ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, चाहे 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड हो, चाहे 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड हो, चाहे 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड हो, सारी बॉन्ड यील्ड अमेरिका को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसमें कोई भी देखेगा दो राय नहीं है, और ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा भी देखेगा अभी तक अच्छा देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स अगर 104 के या फिर 104 से 104.5 के बीच में देखेगा अगर बीट करता है तो वो कहीं से भी अच्छी बात नहीं होगी। अभी आराम से कंफर्टेबल लेवल पे 104 के ऊपर देखने को मिल रहा है, और ये हमारे पैनिक को शो क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा जो INR है, इंडियन रुपी है, वो ऊपर के लेवल पे लो बना चुका है और ये हफ्ता भी बीत चुका है अप्रॉक्स। तो इसका मतलब है फॉरेक्स का डेटा भी बहुत ख़राब आने वाला है। तो बेसिकली ये हमारे मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं होगी अगर 104 के ऊपर बना रहता है कल भी डॉलर इंडेक्स। तो फोकस करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।